हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो मच्छरदानी होती है जिसे मॉस्किटो नेट कहते हैं, वो हम ऑनलाइन कैसे मंगा सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, मैंने मंगा लिया है। अगर आपको ख़रीदना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसका लिंक ले सकते हैं और ऑनलाइन इसे खरीद सकते हैं। ये जो है, हमें किसी भी तरह से इसे बांधने की या कुछ भी कीले टोकने की ज़रूरत नहीं है। ये फोल्डेबल है। फोल्डेबल मतलब हमारा काम हो जाने के बाद हम इसे फोल्ड करके रख सकते हैं। ये 100% पॉलिस्टर से बनाया गया है और ये नेट जो है हमें अच्छे से मच्छरों से बचाता है, डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों से बचाता है। ये देखिए, इस तरह से इसकी पैकेजिंग है। मैं आपको खोल कर दिखा देती हूँ पूरा। आप इसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अलग अलग रंगों में ये आता है, आपको जो रंग पसंद आए वो आप ले सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से इसकी एक बैग आती है अलग से। हमारा काम जब ना हो तो हम इस बैग में इसे रख सकते हैं। ये देखिए, ये इसके साथ जो पर्चा आता है इसमें इन्होंने पूरी तरीके से दिया हुआ है किस तरह से इसे इस्तेमाल करना है, किस तरह से खोलना है, वापस से किस तरह से इसे हमें फोल्ड करके रख देना है, मतलब हमें दोबारा से इसकी घड़ी करके रख देना है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। ये देखिए, इस तरह से जो ये मैनुअल आता है पूरी तरीके से किस तरह से खोलना है, बंद करना है, ये इस पर दिया हुआ है और 100% पॉलिएस्टर से बना हुआ है और ये मेड इन इंडिया है। इस पर सारी जानकारी इन्होंने दी हुई है किस तरह से इसे फोल्ड करना है और किस तरह से इसे दोबारा से घड़ी करके रख देना है जब हमें इसकी ज़रूरत ना हो। हम इसे सिंगल बेड और डबल बेड पर भी बिछा सकते हैं। ये देखिए, बेड पर इस तरह से ही बिछ जाती है। मैं आपको इसे बेड पर लगाकर भी दिखा देती हूँ। और इसमें जो है चेन लगी हुई है, ये देख सकते हैं आप, दोनों तरफ से इसकी चेन होती है। सिंगल बेड और डबल बेड में आती है, बहुत ही अच्छी होती है। अगर आपको ये खरीदनी है ऑनलाइन तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मैं दे दूंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।